आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI डिप्लोमा BTech CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको पावर वायरिंग डायग्राम दिखाएंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से कैसे करते हैं। तो मैंने स्टार्टर के फिलहाल कॉन्ट्रेक्टर बनाऊंगा केवल। ये मेरा कॉन्ट्रेक्टर है जिसको मैंने दिया है मेन का नाम, ठीक है। यहाँ पे मेरा दूसरा कॉन्ट्रेक्टर है जिसको मैंने दिया है डेल्टा का नाम, और तीसरा कॉन्ट्रेक्टर है मेरा स्टार वाला, ठीक है। तो तीनों कॉन्ट्रेक्टर बना लिए। अब देखो होता क्या है, तीन तीन पोल के कॉन्ट्रेक्टर है तो यहाँ पे सप्लाई के लिए तीन तीन मैंने टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे दिखा दिया आपको कि तीन टर्मिनल इस तरीके से होंगे, हर एक पे तीन तीन होंगे, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने क्या दिखाया, वायर लगाने के लिए जो तीन टर्मिनल दिखाए हैं वो है ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो हमारे पास यहां से जो आएगी सीधा सीधा सप्लाई जाएगी आर, यहां पे आर वाई और बी आएगी, ठीक है। जैसे मेरा मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो ये आर वाई भी कहां मिल जाएगी आपको, यहां पे आर मिलेगा, यहां पे वाई मिलेगा, यहां पे आपको बी मिलेगा, ठीक है। ये आपकी कोई मोटर है, इसके ऊपर तीन टर्मिनल ऊपर है, तीन टर्मिनल नीचे है। मैंने मान लिया इसका U1 है नाम, इसका V1 है, इसका W1 है, और इस तरीके से U2, V2 और W2। अब मुझे मोटर कनेक्ट करनी है तो देखो तीन टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर वाले, चाहे तो आप ऊपर वाले को कनेक्ट करो चाहे नीचे वाले को कनेक्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, तीन टर्मिनल जो के थे उठा करके और तीसरा वाला, अगर मैं यहां फेज सीक्वेंस की बात करूं तो यहां पे क्या आया, आर वाई और बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये बचे हुए तीन टर्मिनल जोड़ने हैं, ठीक है। कैसे जोड़ने हैं, देखो स्टार की कंडीशन क्या होती है, स्टार आप सभी जानते हैं, ये मेरा स्टार बना, ठीक है। यहां पे अगर आप आर दे रहे हो, यहां पे वाई दे रहे हो और यहां पे बी दोगे, ठीक है। तो यानी कि तीनों टर्मिनल आपको क्या करने हैं, शॉर्ट करने हैं। तो यानी कि जो तीन टर्मिनल हैं इन्हें मुझे शॉर्ट करना है, पर शॉर्ट किस में होते, स्टार में, ठीक है। स्टार देखो मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया ना, तो जो स्टार का कॉन्ट्रेक्टर लगाया है उसका काम है शॉर्ट करना, हमारा काम नहीं है यहां पर शॉर्ट करना। हम तो सिर्फ वायर जाकर के दे देंगे इसको, ठीक है, शॉर्ट करेगा ये। तो तीनों के तीनों को यहां से आपस में शॉर्ट कर दो, और देखो यहां से वायर उठाओ, यहां से हमने उठाई एक वायर, दूसरी हमने यहां से उठाई, और सेम इसी तरीके से क्या क्या तीसरी वाली वायर उठाई और ये इसके साथ में जोड़ दी, ठीक है। जैसे आप इसको ऑपरेट करोगे स्टार डेल्टा स्टार्टर को, तो मेन ऑन हो जाएगा, साथ साथ में स्टार ऑन हो जाएगा। तीन वायर हमें क्या करने पड़ते हैं, शॉर्ट करने पड़ते हैं। तो तीनों के तीनों कहां से शॉर्ट हो रहे हैं, इसके थ्रू, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, डेल्टा बनाना पड़ता है। डेल्टा में क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉइल को आपस में जोड़ करके और फेज दिया जाता है। देखो जैसे मैं अगर बात करूं, ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, यहां पे मेरा V1 है, यहां पे मेरा V2 है, यहां पे मेरा W1 है और यहां पे मेरा W2 है। अगर मैं यहां पे RY भी दूं, R और यहां मैंने दिया Y और यहां पे मैंने दिया B, ठीक है। तो आप यहां पे गौर से देख पा रहे होंगे, एक कोयल तो है U1 वाली और साथ में है W1 वाली, यानी कि U1 को भी R फेज मिला है, W2 को भी R फेज मिला है। इसी तरीके से यहां देखोगे तो V1 और U2 को क्या मिला है, Y फेज मिला है, और W1 और V2 को क्या मिला है, B फेज मिला है, यानी कि दो दो फेज मिले हैं भैया, सॉरी एक एक फेज दो दो वाइंडिंग को मिला है, ठीक है। तो अब हमें वही कंडीशन बनानी है कि भाई
जो हमारी दो कोयलों के अलग अलग सिरे हैं उनको क्या मिले, सेम सेम फेज मिले। इसको थोड़ा सा हटा देते क्योंकि मुझे इधर कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, नहीं तो ठीक है। ये बस मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया शिफ्ट। अब देखो यहां पे अगर मैं ये वाला जो मेरा कौन सा है U2, V2 और W2, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा U1 था उसके साथ में मुझे V2 जोड़ना है। ठीक है, V2 जोड़ने के लिए देखो क्या करना है, चाहे तो यहां पे आप चेंज करो कनेक्शन को, यहां पे नहीं करते तो यहां पे करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं फिलहाल, मैं जो के क्यों वैसे यहां से उठा करके इनको मैंने क्या किया, जो के त्यों तार उठाए और इनमें जोड़ दिए। ठीक है, अब अगर मैं इन्हीं टर्मिनलों को यहां पे लिखूं तो क्या आ जाएगा, U2 V2 W2। ठीक है, सेम फेज सीक्वेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, देखो अगर हमने जो का त्यों आर वाई भी दे दे तो फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ करके मैंने आर वाले को हटा दिया यहां से, इसको यहां से उठाया एक वायर को और ले जा करके पहले वाले पे जोड़ दिया, इसको उठाया दूसरे वाले पे जोड़ दिया, इसको उठाया और तीसरे वाले पे जोड़ दिया। अब अगर मैं यहां फेस सीक्वेंस चेक करूं तो यहां पे मेरा फेस सीक्वेंस क्या है, वाई बी और आर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां देखते हैं, जब कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो ये जो का तो फेस सीक्वेंस नीचे आएगा, तो ये वाई वाला किसको मिलेगा, U2 को। ठीक है, तो अब यहां पे देखो U2 को मिला वाई वाला फेज, और यहां पे चेक करो V1 को मिला था। ठीक है, V1 को तो मिला था, बीच वाला जो था वाई था भाई, तो बीच वाला कहां पे जुड़ा था, वाई V1 पे जुड़ा हुआ था, और यहां से कहां पे जोड़ दिया हमने, U2 पे। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन देखो जरा आप, V1 और U2 को क्या मिला है, वाई फेज मिला है। यहां से वाई फेज कहां गया, U2 पे, यहां से वाई फेज कहां गया, V1 पे। ठीक है, यानी कि डेल्टा की जो पहली वाली कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा फेज पकड़ते हैं, यहां से मैंने बी फेज दिया था, ये मेरा बी फेज गया था W1 पे। ठीक है, अब यहां से जो बी फेज जा रहा है ये कहां पे जा रहा है, V2 पे। ठीक है, W1 और V2, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरे वाला भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक अपने आप ही सही हो जाएगा, पर कोई नहीं। यहां से मैंने क्या किया, तीसरे वाले को देखा, बी मिला है W1 को, ये वाला चेक किया था मैंने, W1 वाला, चलो W1 को मिला हुआ ये। ठीक है, अब यहां से किसको मिला हुआ था, V2 को, चलो ये तो हो गई थी सेटिस्फाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आर फेज की बात करते हैं, यहां से देखा आर फेज U1 को मिला हुआ है, और यहां से आर फेज कहां मिला, W2 को। यहां पे क्या था, ये तीसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो हमारी मोटर पहले जब स्टार्ट में चलेगी तो यहां से सीधा सीधा कहां जाएगी, ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग पहले की हुई है, जिससे क्या होगा, किया तो ये चलेगा, ये चलेगा, तो जिस टाइम पे ये चलेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे तीनों तार जो आए हैं ये तीनों तार कॉन्टेक्टर के थ्रू यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमें स्टार में चलाने के लिए मोटर के तीनों तार क्या करने पड़ते हैं, शॉर्ट करने पड़ते हैं, वो शॉर्ट इस कॉन्टेक्टर के थ्रू होते हैं। ठीक है, और जिस टाइम पे डेल्टा वाला काम करता है तो वो इंटरलॉकिंग इधर भी हो रखी, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा उस टाइम पे। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ जो फेज सीक्वेंस आया है हमारा उसको चेंज करके यहाँ पे जोड़ देते हैं, और जब यहाँ पे जोड़ते हैं तो वही फेज घूम करके यहाँ पे आ जाता है, तो यानी कि हमारी दोनों मोटर जो है वो डेल्टा में काम करने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। पावर वायरिंग डायग्राम है ये हमारा, ठीक है, किसका, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम है। अब इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको, अब हम इसके पावर कनेक्शन करेंगे, अब हम इसके पावर वायरिंग कनेक्शन करते हैं पावर वाले। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, यहां से सीधा मेन सप्लाई कहां जाएगी, डायरेक्ट मोटर के या तो ऊपर वाले या नीचे वाले टर्मिनल पे जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर को तीन फेज सप्लाई यहां प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमें क्या करना है, मोटर के कनेक्शन करने हैं, तो मोटर के कनेक्शन करने के लिए जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसके ऊपर भी हमें RYB सप्लाई लेकर के आनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लीड है, हमने सबसे पहले क्या आर फेज उठाया,
ठीक है। इस आर फेज को लेकर के कहां पे आए हम, कॉन्टेक्टर के, छोटा रह गया कोई नहीं, यहां से हमने आर फेज उठाया और आर फेज उठाने के बाद में हमने क्या किया, आर फेज उठाने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर, इसका एल वन है लिखा हुआ है, इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में वाई टू लेकर के आए, वाई टू लेकर के आएंगे और वाई टू को भी सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के एल टू टर्मिनल पर डालेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरे वाले को उठाएंगे, ठीक, और तीसरे वाले को भी क्या करेंगे, इसी तरीके से लगाएंगे, यानी कि आर वाई की तीनों फेज जो है हमने यहां पर पहुंचा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, ये आर वाई फेज कहां जाएंगे, यहां पे आपको आउटपुट के रूप में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, इनको डालेंगे मोटर के ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ जो आर वाई की फेज यहां पे थे वो हमने सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर के एक टर्मिनल को दिए। अब इनमें से एक छोड़ करके, एक चेंज करके किसको दे रहा है, डेल्टा वाले कॉन्ट्रेक्टर को, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एक छोड़ करके देना है हमें, ठीक है। तो हमने ये जो बी वाला है, बी वाला हमने कहां पे दिया, तीसरे नंबर पे दिया है, तो इसे हम कहां पे लेंगे, पहले वाले नंबर पे, डेल्टा के पे, डेल्टा पे लेना है केवल, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेंगे और दूसरा लेकर के कहां डालेंगे, छोटा रहेगा, हाँ ये वाला आ गया हमारा। अब देखो जो आर फेज था, हमने आर फेज, हमने आर को पहले वाले पे दिया था, तो हम एक छोड़ के डालेंगे, तो ये हमें कहां पे डालना पड़ेगा, आर फेज दूसरे वाले पे। तो यहां से हमने आर फेज उठाया और इसको डाला दूसरे वाले पे, ठीक है। और बचा तीसरा फेज, तीसरे फेज को उठा कर, दूसरा फेज इसको उठा करके हम क्या करेंगे, यहां पर डालते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर, इसको ऐसे लगाया और इसको ले जाकर के हमने कहां जोड़ दिया, यहां पर, ठीक है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डायग्राम चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, स्टार में जब चलाना होता है मोटर को तो क्या करना पड़ता है, तीनों टर्मिनल शॉर्ट करने पड़ते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, लीड ले ली और इससे क्या किया, जो हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर के जो ऊपर वाले हैं, देखो उसमें हमें क्या करना था, फेस सिक्वेंस चेंज करना था, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, फेस सिक्वेंस चेंज करके यहां पर डाला है, ठीक है। यहां पे भी डायरेक्ट मोटर चला देते तो हमने डायरेक्ट आर वाई भी यहां पे दे देते, यहां पे हमारा आर वाई और बी है, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, मोटर चलाने के लिए शॉर्ट करना पड़ता है स्टार में, तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से शॉर्ट कर दिया, इस तरीके से हमने यहां पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक। अब हमें सिर्फ क्या करना है, तीन टर्मिनल हमारे ये है, तीन टर्मिनल हमारे ये है, ठीक है। इन तीनों को भी आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वायर से इसको जो कहते हो यहां से उठा लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले से उठाएंगे, और थर्ड वाला थर्ड से उठा लेंगे, तीनों को हमने क्या कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। बस इनमें से चाहे तो मोटर हम यहां पे जोड़े, चाहे मोटर हम यहां पे जोड़े, ठीक है। बस हमें जो तीन टर्मिनल लाने हैं वो मोटर पे सीधा सीधा यहां से लेकर के आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा तीन टर्मिनल लेकर के सबसे पहले मोटर को जोड़ देते हैं। मैंने मान लिया, देखो मोटर के ये ऊपर वाले ये है, नीचे वाले है, चाहे आप कहीं भी मान सकते हो ऊपर वाले नीचे वाले, ठीक है। तो देखो मोटर कनेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे उसकी, ठीक। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले रहे हैं, ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, ठीक है। इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को हमने यहां पे रख दिया। उसके बाद में हमें क्यों करनी पड़ रही है टेस्टिंग, टेस्टिंग हमें इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि हमें पहले ये पता करना है मोटर के टर्मिनल है कौन कौन से, क्योंकि हमें ऑलरेडी चेक करके लगाना है।
इसलिए सबसे पहले मोटर करेक्ट करने से पहले मैं क्या करना पड़ेगा, ट्रेमिल साइड ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें जो हमें मोटर के ट्रेमिल दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऑलरेडी एक चेंज करके हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा वायर कनेक्ट करनी शुरू करते हैं। तो जो मोटर के टर्मिनल है, मोटर के जो टर्मिनल है वो हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि लगा क्यों रहे हैं, वजह क्या है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से वायर उठाई, क्योंकि ये मेरा रेड फेज है। ठीक है, इस रेड फेज को मैंने यहां पे टाइट कर दिया। इस राइट फेज को मुझे कहां लगाना है, सिर्फ मोटर के उस पे एक टर्मिनल पे लगाना है। ठीक है, ये मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं आप, ये मेरा एक तार मोटर का जो रेड फेज है, मोटर को रेड फेज मिल चुका। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वाई फेज दूंगा मोटर को। मोटर को वाई फेज देने के लिए मैंने क्या, येलो कलर का ले लिया वायर, और ये वाला मैंने मोटर को दूसरे वाले ट्रेमिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर तीसरे वाला मैंने लिया ब्लू कलर का, और तीसरे वाले को मैंने यहां जोड़ा। और इसको ले जा करके तीसरे वाले टर्मिनल से जोड़ा है। अब ध्यान रखना, क्योंकि हमने मोटर के कनेक्शन खुद चेंज कर दिए हैं स्टार्टर में, तो हम क्या करेंगे, यहां पे फाइंड आउट करके तभी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सीधा सीधा कनेक्ट करना है। अब मैंने फिर से वही कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक रेड ले लेंगे, एक येलो और एक ब्लू। अब चाहे तो आप देखो, ये मेरा स्टार कॉन्ट्रेक्टर है, वो मेरा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है, चाहे आप यहां से उठाइए सेकंड वाले टर्मिनल से आउटपुट से, यानी कि कॉन्ट्रेक्टर की, ठीक है, तब कनेक्ट कीजिए, चाहे उधर से उठाइए। तो हम क्या करेंगे, इधर से उठाएंगे डेल्टा वाले से। ठीक है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, सबसे पहले जो रेड है, यहां पर बदल चुका है रेड। ठीक है, रेड वाला जो था वो हमारा बदल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल करके ही लगाएंगे। रेड हमारा यहां पर है, ठीक है, येलो भी हमारा बदल चुका है, तो येलो भी हम चेंज करके लगाएंगे, और ब्लू वाला भी हम बदल करके ही लगाएंगे, क्योंकि हमने फेस सीक्वेंस ऊपर से चेंज कर दिया है। तीनों टर्मिनल जोड़ दिए हमने, ठीक है, अब मोटर पे जोड़ने हैं। ठीक है, अब मोटर के टर्मिनल ऑटोमेटिक चेंज हो रखे हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, मोटर को अच्छी तरीके से देख करके तब लगाएंगे। हमने क्या किया, जो रेड वाला था वो हमें चेंज करके लगाना है। ठीक है, येलो वाला और ब्लू वाला, इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों चेंज करके लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे कनेक्शन तो हो चुके कंप्लीट। अब इस मोटर को सिर्फ हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। ठीक है, अब हमारे कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके, मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोटर घूमती नजर आनी चाहिए, तो देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट घूमती।
हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मोटर को क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमने मोटर की शाफ्ट पर क्या किया है, एक पेपर लगा दिया जिससे आपको मोटर रोटेट होती दिखाई दे। कनेक्शन उठ रहे हैं, कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी मोटर घूम रही है स्टार में, ठीक है। अभी मेरी मोटर डेल्टा में चलने लगी, ठीक है। इस तरीके से क्या किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए पूरे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी मोटर घूम रही है, ठीक है। ये स्टार में चल रही है फिलहाल स्टार्टिंग में, और ये हमारी मोटर जो है डेल्टा में चलने लगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन से मोटर के कनेक्शन करते हैं।